गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे बहुत प्यारे होंगे तो आज हम आगे बढ़ते हैं मैराथन क्लास में आज हमारा जो पार्ट है वो होगा ब्लड और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ब्लड चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका रुकमणि शुक्ला कुरैसी अमित सिंह बहुत बहुत स्वागत है सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज होगा हमारा ब्लड आप जानते हैं आप हैं रैंकर्स गूगल पर फ्रंट लाइन के कोलाब्रेशन में आपका ये ये हमारा बैच है जो जीएस का बैच है और इसकी फ़ी है आपका आठ सौ निन्यानवे मात्र आठ सौ निन्यानवे हम अगर अपने इंडिविजुअल बैच में लाते हैं उनकी फ़ीस भी क्या होगा आपका नौ सौ निन्यानवे के करीबन रहती है लेकिन यहाँ पर सभी को सुविधा मिले ये साइंस का बैच है आपका चार सौ निन्यानवे बहुत सस्ता बैच है आपका टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ जैसे लास्ट क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिली थी इस क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगी ये हमारा यूट्यूब चैनल है आपका रैंकर्स गुरुकुल जहाँ से निकलते हैं रैंकर्स टॉपर्स निकलते हैं हमारे यहाँ से ठीक है तो ये यहाँ पर है आपका यूट्यूब चैनल ये जनरल साइंस की बुक है हमारी जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी आपका फ्राइडे से ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं अब आपका पहला क्वेश्चन है सर सीधे होकर बैठेगा लंबी लंबी सांसें लेते रहेगा और सर पहला क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा ब्लड का कंपोनेंट ऐसा होता है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो सर जब मैं देखता हूँ ब्लड के कंपोनेंट्स मान लीजिएगा सर एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया हंड्रेड एम ब्लड लिया कितना ब्लड लिया हंड्रेड एम ब्लड और मैंने सर इसको घूमने वाली मशीन पर लगा दिया सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लगा दिया तो मैं देखता हूँ इसमें जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो कहा बैठ जाते हैं आपका नीचे ध्यान से देखते रहेंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे पानी जैसा पदार्थ होगा उसको क्या बोलेंगे प्लाज्मा वो कहाँ रहेगा ऊपर प्लाज्मा रहेगा ऊपर और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जिनको बोलेंगे ब्लड कॉपसल्स क्या बोलेंगे आपका ब्लड कॉपसल्स इनको बोलेंगे रुधेराणु नाम सुना है कभी आपने रुधिराणु तो जल्दी से बताइएगा कि ब्लड प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड में फिफ्टी फाइव परसेंट फिफ्टी फाइव नहीं आएगा तो क्या कर देंगे आंसर आपका सिक्सटी परसेंट और ब्लड कॉपस कितना होगा सर फोर्टी परसेंट आप जानते हैं कभी कभी आप भावुक हो जाते हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हुसैन नीरज आदित्य क्रैकू सपना बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मान लीजिएगा आप कभी भावुक हो जाते हैं और हाथ में कट लगाते हैं कि नहीं जी ना तेरे तेरेवीन घरवाले कहते हैं तुझे जीना होगा ठीक है और आप कहेंगे कह रहे हैं कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके तो आप ऐसे से गाने गा रहे हैं तो क्या होगा सर क्या होगा जब आप कट लगाते हैं तो ब्लड रिलीज होगा अब आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है कि मुझे जीना होगा तो आप हाथ के ऊपर हाथ रख लेते हैं जब हाथ के ऊपर हाथ रख लेते हैं तो ब्लड जम जाता है तो आपसे पूछेगा ब्लड को जमाने का काम कौन करता है ब्लड लाल किसके कारण दिखाई देता है तो आप जानते हैं ब्लड में क्या होगा आरबीसी आरबीसी कितने परसेंट है आपका नाइनटी और इस आरबीसी को कलर कौन देगा हीमोग्लोबिन और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होगा इस हीमोग्लोबिन का काम होगा सर ऑक्सीजन को ले जाना जैसे आप का काम क्या है आपका सिलेक्शन को ले जाना आप सिलेक्शन लेके जाएंगे ऐसे यहां पर इसका काम क्या होगा ऑक्सीजन को ले जाना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर क्या होगा आपका सर डब्ल्यू और यहां पर क्या होगा आपका ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स समझ रहे हैं आपका ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं आपका रक्त बिम्बाणु या रक्त डिम्बाणु कहा जाता है ठीक है ब्लड प्लेटलेट्स क्या होगा आपका रक्त डिम्बाणु अब आपसे पूछता है सर डब्ल्यू कितने परसेंट होगा पॉइंट टू परसेंट और प्लेटलेट्स कितने परसेंट होगा पॉइंट एट परसेंट तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर का काम क्या होता है तो सर आर का काम क्या होता है ऑक्सीजन को ले जाना आपसे पूछेगा डब्ल्यू का काम क्या होता है तो डब्ल्यू सी का काम होता है सर आपको इम्यूनिटी प्रदान करना आपको प्रतिरक्षा प्रदान करना आपसे पूछेगा ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है आपका सर ब्लड को क्लोट करना ब्लड को क्लोट करना बहुत बहुत धन्यवाद लाइक like जरूर करते रहें सर लाइक like जरूर करते रहें और मंगलवार तक आपकी क्लास थोड़ी इरेगुलर रहेगी मंगलवार से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी संडे में भी क्लास रहेगी मंगलवार तक कुछ शादियाँ चल रही हैं कुछ फंक्शन वगैरह हैं तो सोमवार तक फंक्शन वगैरह है मंगलवार से आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी ठीक है जो साठ आपकी मैराथन होनी है जीएस की रेगुलर मैराथन हो जाएगी ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सही आंसर दे रहे हैं अब इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से आपसे पूछेगा कौन सा कंपोनेंट ब्लड का रेस्पॉन्सिबल होगा आपका क्लोटिंग के लिए तो अभी बताएं आप क्लोटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा आपका ब्लड प्लेटलेट्स प् ये दोनों की दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे आपका इम्यूनिटी इम्यूनिटी समझ रहे हैं आपका प्रतिरक्षा जो आपको प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी वो कौन होंगी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट और आरबीसी का काम क्या होता है आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना तो यहां से आपके तीन से चार क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है कहाँ होगा आपका बोन मैरो में अस्थि मज्जा में आपसे पूछेगा लिंफोसाइड का निर्माण कहा होगा मोनोसाइट का सबका निर्माण होगा आपका बोन मैरो में ये आपका अगला क्वेश्चन बन गया ये आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है बहुत बहुत धन्यवाद लाइक like, लाइक like, कहने पे लाइक like करते हो तो मैसे लाइक नहीं करते हो ठीक है आप जानते हैं सारे के सारे टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं ठीक है सारे के सारे टीचर्स चाहे वो विक्रमजीत सर हो या सोलंकी सर हो या आदित्य सर हो सारे के सारे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप भी थोड़ा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब देखो यहाँ पर सर आपसे पूछिएगा फ्लूट पार्ट ऑफ ब्लड डिड ऑफ कॉपस इज कॉल्ड अगर आप अगर आप ब्लड में से कौन सा भाग निकाल दें आपका लिक्विड भाग को निकाल दें अगर आप ब्लड में से कौन से भाग को निकाल दें लिक्विड को भाग को निकाल दें ठीक है ठीक है फ्रूट पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉपस मतलब आप किसको निकाल दें कॉपस को निकाल दें तो जब आप ब्लड में से किसको निकाल देंगे आपका कॉपस को निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका सर क्या बचेगा जल्दी से बताओ क्या बचेगा आपका ठीक है क्या बचेगा आपका प्लाज्मा याद रहेगा आपका प्लाज्मा ये तो आंसर है सर ठीक है बहुत बड़िया, बहुत 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 बढ़िया 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 ट्रेन में हो तब भी क्लास चल रही बहुत बहुत बात है 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 ठीक बात तो आगे बढ़ता है आपका कि एन ऑर्गन इंडिविच आरबीसी फॉर्म वह कौन सा अंग मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण करता है तो सर देखो एक क्वेश्चन अभी बताया मैंने आपको कौन सा अंग होगा कौन सा अंग होगा आपका सर बोन मैरो लेकिन अगर वो पूछ लेगा फीटस में भ्रूण में तो भ्रूण में कौन सा अंग होता है भ्रूण में क्या होगा आपका स्प्लीन और लिवर। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका ठीक है दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका हाइट के लिए आप एक बार होम्योपैथिक में देख लो और अपनी जो बोन डेंसिटी दिखा लो कि बोन्स के बीच में गैप है नहीं है अगर होगा तो वो आपकी हाइट बढ़ जाएगी अगर नहीं होगा तो नहीं बढ़ पाएगी ठीक है अब कहीं से दवाई मत लेना लेना कि कि हाइट बढ़ाने की दवाई पता लगे एक हाथ बढ़ गया कानून का हाथ हो गया कौन सा है? समझते हैं आपका जिनमें दूध ग्रंथियां होती हैं क्या होती है आपकी दूध ग्रंथी ठीक है वो क्या होते हैं आपका स्तन पाई सबसे बड़ा कौन सा है आपका कौन सा है आपका ब्लू वेल आंसर क्या हो गया इसका जल्दी आंसर दो आपका सी आंसर क्या हो गया सी बहुत सही आंसर दे रहे हैं बहुत सही आंसर दे रहे हैं आपका बहुत सही ठीक है ओके अब देखेंगे यहां पर आगे आप अगला क्वेश्चन है जॉन्डिस जॉन्डिस द इनफेक्शन अगर आपको पीलिया होता है तो पीलिया में किसके अंदर इन्फेक्शन होता है ऑप्शन है आपके पास ब्रेन लीवर किडनी स्प्लीन आंसर बताओ आप जल्दी से बताओ आप आंसर बताओ आप इन्फेक्शन इन्फेक्शन आपका लीवर में बहुत सही आपसे पूछेगा आपका लीवर आपसे पूछे आप ग्लाइकोजन का निर्माण कहाँ होगा बताया मैंने आपको याद करो वो दिन ग्लाइकोजन फॉर्मेशन ग्लाइकोजन का निर्माण कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन यूरिया फॉर्मेशन ये सारे सारे क्वेश्चंस मैंने कराए आपको न्यूट्रिएंट्स में जब आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे न्यूट्रिएंट्स में मिल जाएगा आपको लीवर क्या होगा आपका लीवर ठीक है बरसा गलत गलत आंसर दे रही हो अब देखो पर सर बिल्कुल सही बता रहे हैं सालू अंजलि एस एस सी बहुत क्रैसी बहुत सही आंसर दे रहे हैं लीवर अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास आपसे पूछता है कि द सब्सटेंस विच अपियर्स मोर देन एट्टी परसेंट इन द इन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट इन सेल इज कॉल्ड कौन सा होगा 80% से अधिक आगे तो क्या होगा आंसर आंसर आपका? हो आपका आपका क्या होगा सर पानी होता अस्सी परसेंट से ज्यादा होता है वास्तव में पानी मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता है यही कारण कि अगर फीमेल एल्कोहल लेती हैं तो कम एल्कोहल में उनका नशा हो जाता है ठीक है कम एल्कोहल में महिलाओं को नशा हो जाएगा वो कहेंगी मुझे कुछ मत कहो मैं नशे में हूं ठीक है तो ऐसा कुछ कहेंगे महिलाएं पुरुष होते हैं जो अल्कोहल नहीं लेते हैं दिल्ली में तो आजकल आनंद चल रहा है भाई साहब एक एक के साथ एक फ्री चल रही है दारू की बोतल दिल्ली को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है आपका केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे हमारे केजरीवाल जी हैं बिल्कुल आनंद आ रहा है बच्चे फीस कम करा करा के दारू की बोतल लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट जो है हमारे कुछ तो यहाँ पर ही देख रहे होंगे कह रहे होंगे सर ठीक कह रहे हो अब तो हमने पी ली है आगे से आपकी बात मानेंगे ठीक है आगे पढ़ता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है तो आपसे पूछेगा ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है तो ब्लड में प्लाज्मा कितना होगा आपका 60 परसेंट लेकिन जब पूछेगा प्लाज्मा में पानी कितना होगा 90 परसेंट कितना होगा आपका सर नब्बे परसेंट हाँ बिल्कुल 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 बड़े आगे तो क्या आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर क्या होगा आपका डी अब आप जानते हैं जैसे किसी को डायबिटीज है जैसे किसी को डायबिटीज जैसे मुझे डायबिटीज है ठीक है तो डायबिटीज में क्या होता है आपको चीनी खाने के लिए मना किया जाता है जब भी मैं बोलता हूं बताता हूं कि भाई चीनी कम खाओ चीनी क्या करेगा आपको नुकसान करेगा तो आप क्या लेते हैं शुगर फ्री रहते हैं क्या लेते हैं आपका शुगर फ्री तो शुगर फ्री में क्या होता है आपका एस्पार्टीम एस्पार्टीम क्या आपका पेप्टाइड का बना होता है तो एक किसका बना होता है पेप्टाइड आप जानते हैं सेल का फूड क्या है आपका ग्लूकोज अगर आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या आपको एनर्जी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी ठीक है तो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या रहेगा आपका मेंटेन रहेगा अगर आप क्या लेंगे शुगर फ्री एसपी लेंगे बहुत सही आंसर दे रहे हैं आपका बहुत सही आंसर दे रहे हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन क्या आपके पास ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय सर ये क्वेश्चन तो सभी के याद होने चाहिए मैंने बड़े अच्छे से बताया था इसको आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लासेस कराई थी तब मैंने बड़े अच्छे से समझाया था आपका कि ब्लड प्रेशर इज़ कंट्रोल्ड बाय सब क्लास यूट्यूब पे करा रखी है उसको देखो आप आराम से सारे के सारे क्लास देखो और हमारी जो बुक है आपका एक बुक है जिससे मैं पढ़ाता हूँ द पनीशा ऑफ जनरल साइंस द पनीशा ऑफ जनरल साइंस ठीक है इसको खरीदो और अगर आपके पास कुछ पैसे हो जाए कुछ पैसे हो जाए मान लो आपके पास 200 सौ चार सौ रुपये हो गए तो हमारा स्पेशल का बैच ले लें 200 सौ चार सौ रुपए जब हो जाए तो स्पेशल का बैच ले लें ठीक है या आप मेरे पास फोन करें मुझसे कहें सर कुछ उधार पैसे दो हमें बैच खरीदना है तो आपको उधार पैसे देकर आप बैच खरीद लेना बा, बाद में जब सिलेक्शन हो जाए तो पैसे वापस कर देना ठीक है तो आपसे पूछेगा ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा तो कंट्रोल तो होता तो तो है तो आपका एडिनल ग्लैंड क्या होगा आपका ए एडिनल बहुत सही बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं आपका राकेश सालू, स्तुति कुरैसी राकेश बहुत सही उपेंदर एस आर बहुत सही बहुत सही बता रहे हैं आप लोग इतना सही आज तक आपने नहीं बोला बहुत सही लाइक करते रहें लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें आपसे पूछेगा अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स इज डे डू आवर हार्ट वाल्व ओपन एंड क्लोज नॉर्मली आपका हृदय की जो वाल्व होती हैं वो प्रतिदिन कितनी बार खुलता और बंद होता है प्रतिदिन कितनी बार खुलता और बंद होता है ये बताना है आपको जल्दी से बताएं आप जल्दी से बताएं आंसर बताएं आप जल्दी से तो आप जानते हैं सर आपका हृदय एक मिनट में कितनी बार बहत्तर बार और आप जानते हैं सर एक मिनट में बहत्तर बार एक घंटे में बहत्तर इंटू साठ और एक दिन में कितना होगा आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा एक लाख टाइम्स कितना आएगा एक लाख बार आएगा लगभग कितना आएगा आपका एक लाख बहुत सही आंसर दे रहे हैं आपका मनीष कुमार जी जय हो फ्रंट लाइन की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अब देखो एक लाख क्रैको ये नाम कैसे रखा है तुमने तो क्रैको हैं ऐसा नाम क्यों रखा है तो तुमने क्रैको नाम रखा है ठीक है बहुत सही बहुत सही बहुत सही ठीक है अब देखो यहाँ पर सर तुम्हारा हृदय बहुत बार

ग्यारह का आंसर हो जाएगा आपका बी विवेक महतो विवेक महतो विवेक महतो ठीक है बहुत बहुत सही बहुत सही अब देखो यहां पर नाम के पीछे रा, राज है साधा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आप नाम के पीछे राज है न साब में होता तो नाचती बोतल अच्छा आपको व्हाट्सएप पे मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो सकता है बिजी हूँ आपको पता है सुबह से सुबह आठ बजे से क्लास चल रही है अब मेरी क्लास रात को बारह बजे तक है दस से बारह बजे तक मेरी क्लास है आपका अब आप एक घंटा आपकी उसके बाद भी क्लास है और सुबह चार बजे निकलना है मुझे अपने गांव घर जाना है मुझे कल तो आप समझ रहे हैं देखो चेहरे पे स्वेलिंग भी आ रही है आप देख नहीं रहे कितनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ लोग लाइक नहीं कर रहे वाह ब्लड इज टाइप ऑफ ब्लड क्या है आपका ब्लड ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हैं क्या करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है ब्लड क्या करेगा सर हार्ट को किससे जोड़ेगा आपका हमारे ब्रेन से हार्ट को किससे जोड़ेगा हमारे लीवर से हार्ट को किससे जोड़ेगा हमारे लंग से हार्ट को किससे जोड़ेगा हमारी किडनी से हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम कौन करेगा आपका ब्लड हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम कौन करेगा आपका ब्लड ब्लड करता है हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का और जब ब्लड हमारे एक ऑर्गन ऑर्गन को दूसरे से जोड़ने का काम करेगा तो इस ब्लड को क्या कहेंगे आपका कनेक्टिव क्या कहेंगे आपका कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड कैसा टिश्यू है आपका कनेक्टिव बिल्कुल सही बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास ये हम मैराथन करा रहे हैं ब्लड चैप्टर की इससे पहले मैराथन करा चुका हूँ मैं सेल बायोलॉजी की तो जो बच्चे आज नए हैं पहली बार हम क्या हमारे साथ जुड़े हैं वो सेल बायोलॉजी की मैराथन जरूर देखें आज मैं करा रहा हूँ किसके आपका ब्लड की मैराथन और हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है मुखर्जी नगर में मंगलवार में ऑफलाइन बैच है हमारा फ्रंट लाइन में ऑफलाइन बैच है हमारा ऑफलाइन बैच है फ्रंट लाइन में सुबह ग्यारह बज के मिनट पर और उसकी फीस काफी कम कर दी हमने दस हजार पांच सौ फीसलाइन बैच की आप ज्वाइन कर सकते हैं मुखर्जी नगर की धरती पर अगर आप आए अवतरित लें अगर मुखर्जी नगर की धरती पर तो वहां पर आप, आप, आप आ सकते हैं जीएस में हमारे पास बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपसे पूछेगा इसमें कौन नियत तापी जंतु का उदाहरण नियत तापी जंतु का उदाहरण कौन है आपका वार्म वार्मेड एनिमल्स कौन है आपका कौन है आपका वेल ए आंसर इतना सही आंसर दे रहे हैं आप इतना सही आंसर दे रहे हैं आपका बहुत सही बहुत सही बरसा सारे आंसर गलत दे रहे हैं आप मुझे लग रहा है आज बरसा आपने टिंडे खाए हैं टिंडे आज आप टिंडे खाकर आई हैं ठीक है थीके? पुराने वाले का कितना लगेगा पुराने वाले का कुछ नहीं लगेगा कुछ नहीं लगेगा पुराने वाले का ठीक है मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बहुत बहुत स्वागत है बेटा जी लेट हो गए आज आप कोई बात नहीं में से कौन सा अनियत तापी जंतु है अच्छा सर यह नियत तापी अनियत तापी क्या होता है समझ लो जरा थोड़ा एक बार मान लो सर ये आपके गांव में कोई झोड़ है कोई तालाब है आपने तालाब में काफी आनंद लिया होंगे काफी आप डुबकी मारी होंगी और तला तालाब में क्या आपका सर सुंदर, सुंदर सुंदर सा पानी है सुंदर सुंदर सा पानी है और तालाब में है सर सुंदर सुंदर सी मछलियां है ये मछलियां हैं और तालाब में सर जल परी क्या है आपका जल परी ये जल परी है तालाब में मान लो ये जल परी है आप जानते हैं ये क्या है आपका जल परी गई भैंस पानी में ये भैंस है तालाब में गई पानी में गई अब सर ये सूर्य की लाइट आ रही है दिन के समय जब सूर्य की लाइट आएगी सूर्य के प्रकाश आएगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा मछली के शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन बफालों की बॉडी का टेम्परेचर क्या है आपका कॉन्स्टेंट रात का समय है सर चंद्रमा की ठंडा ठंडा प्रकाश आ रहा है चंद्रमा का ठंडा ठंडा प्रकाश आ रहा है चंद्रमा में अपनी लाइट नहीं होती है चंद्रमा में किसकी लाइट होगी सूर्य की, हो की। टेम्परेचर कम होगा मछली के शरीर का टेम्परेचर कम होगा लेकिन बफालों की बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट तो वो एनिमल्स जिनके शरीर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है जिनके शरीर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है एनवायरमेंट के साथ साथ चेंज नहीं होता है वो कैसे एनिमल्स होंगे वो होंगे आपका वार्म और जिनके शरीर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो कैसे होंगे कोल्ड याद रहेगा व्हाट्सएप नंबर सर व्हाट्सएप नंबर लो आप व्हाट्सएप नंबर भी है कॉलिंग नंबर भी है नाइन ट्रिपल फाइव नाइन ट्रिपल फाइव वन एट नाइन जीरो सेवन फाइव इस पर आप

अपना नाम और आर जी बिक्रमजीत आर जी बिक्रमजीत यूट्यूब और किस शहर से आप ये मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको मैसेज करा दूंगा ठीक है आज आपकी पहली क्लास है पवन बहुत बहुत स्वागत है पवन आज आपकी पहली क्लास है और आज हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बस पूछो मत इतना अच्छा हमने कभी नहीं पढ़ाया हो सकता है आने से जिसके आए बहार ऐसा हो सकता है अब देखो पर सर आप सबसे कौन सा कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स है तो कौन सा कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स है इसमें क्रोकोडाइल बाकी सब क्या है आपका मैमल्स और एप्स जो मैमल्स और एप्स होते हैं वो कैसे होते हैं ब्लेडेड और ये कैसा है आपका कोल्ड ब्लेडेड ठीक है ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं आप सोचिएगा ब्लड का पीएच कितना, कितना होता है जल्दी से बताओ सर ब्लड का पीएच कितना होता है आपका ठीक है ठीक है शर्मा जी ग्रुप बना देता आप लोगों का ठीक है अब देखो पर पीएच ओ ब्लड होता है ब्लड है सेवन पॉइंट फोर कितना होता है आपका सेवन पॉइंट फोर तो सेवन पॉइंट फोर कैसा है आपका एसिडिक है बेसिक है एसिडिक है बेसिक है तो कैसा है आपका बेसिक तो आप जानते हैं सेवन पॉइंट फोर किसके पास है किसके पास है आपका आर्ट के तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आठ आंसर हो जाएगा आठ ठीक है दादाब खान अब ऐसी तारीफ करते राहर मेरी बस ठीक है ओके ओके जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखें हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर सारे के सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं केवल पढ़ाई की बातें करते हैं पढ़ाई के अलावा कोई बातें नहीं करते हैं इन बच्चों के मैसेज भी आते हैं तो मेरे पास आते हैं मैसेज सर हम ऐसे नोट्स बना रहे हैं सर हमें ये तैयारी करनी है सर हम रात में बहुत पढ़ रहे हैं आपका सर रात को नींद नहीं आ रही है सर हमारा टारगेट है कि हम हम इस बार इंस्पेक्टर बने इस बार से मेरा टारगेट है आई बने मतलब पढ़ाई के अलावा यहाँ कोई बात नहीं होती कोई दूसरी बात नहीं होती है हाँ बैलेंटाइन डे पर हमारे कुछ बच्चे भावुक हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और वैलेंटाइन डे से आगे निकल गए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बहुत बहुत जिनका पहली क्लास है उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतना धन्यवाद इतना धन्यवाद कि अल्लाह ताला उनको बस अपनी रहमत दे बस यही बोल सकता हूं मैं अब देखो यहां पर सर हाँ नींद जिनको नहीं आती उनके लिए मैं बहुत बढ़िया सा एक बताऊंगा आपका कैसे नींद आए आपको और इतनी नींद आएगी आप दिन रात एक कर देंगे रात में भी सोएंगे दिन में भी सोएंगे आप अब देखो यहाँ पर सर आप समझिएगा मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं अधिक ऊंचाई पर जाने पर अब सर यहाँ पर देखो जिनको नींद नहीं आती है। मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए ठीक है आ, आगे देखिए यहाँ पर रेखा कुमारी जी अब देखेगा रेखा ये एक सुंदर सी लड़की है एक लड़की थी दीवानी सी और एक लड़के पे वो मरती थी ये लड़का एक लड़की ने कहा कि देखो मैं शादी करूंगी तब शादी हो रही है दोनों की मैं शादी करूंगी तब जब कलर तुम्हारा येलो से कैसा हो जाएगा आपका रेड कैसा हो जाएगा आपका रेड अब बताओ ये लड़का क्या करे इसका कलर रेड हो जाए बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है ये लड़का ऐसा क्या करे इसका कलर रेड हो जाए जल्दी से बताएं आप ये लड़का ऐसा क्या करे इसका कलर रेड हो जाए जल्दी से ये लड़का क्या करे इसका कलर रेड हो जाए तो सर लड़की ने कहा कि खर्चा बिल्कुल नहीं करना है लड़के ने कहा मैं गाजर का जूस पीऊंगा सुशांत सर ने कहा है कि गाजर का जूस पिए लड़के ने कहा मैं ये करूंगा वो करूंगा लड़के ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं कुछ खर्च नहीं करना है खर्च करने का काम मोदी जी का है तुम्हारा नहीं है अब लड़का सर संसारिक को त्याग कर कहा चला गया हिमालय पर्वत पर एट हाई एल्टीट्यूड एट हाई एल्टीट्यूड और आप जानते हैं ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी कम ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा कब बढ़ेगा जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का क्या बढ़ेगा ठीक है ठीक है आरबीसी का क्या बढ़ेगा आप ऊंचाई पर जाने पर क्या बढ़ेगा आरबीसी का नंबर बहुत बहुत सही तो क्या बढ़ जाएगा आरबीसी का नंबर तो आपसे पूछेगा ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई साहब क्या बात कर रहे हो देखो अभी मैं तुम्हारे लिए क्या बनाता हूं एक डाल पर तोता बैठा एक डाल पर मैना मैना एक डाल पर तोता बैठा एक डाल पर मैना चलो पूछ छोटी होगी इसकी कोई बात नहीं पूछ छोटी होगी एक डाल पर तोता बैठा ये कह रहा है ड्राइंग अच्छी नहीं इतनी अच्छी ड्राइंग मैं बनाता हूँ पूछे मत ऐसी बात कर रहा है अरे अंजलि आपको कैसे भूल जाएंगे अंजलि आपको कैसे भूल जाएंगे अब देखो यहां पर सर आगे बढ़ते हैं हम आपसे पूछेगा निम्न में से कौन रुधिर का प्रतिस्कंदन कारक है प्रतिस्कंदन कारक समझ रहे हैं आप ठीक है प्रतिस्कंदन कारक समझ रहे हैं आप नहीं समझे ओके अब प्रतिस्कंदन कारक क्या होता है सर मान लो सर आप भावु हुए आप भावु हुए हाथ में आपने कट लगाया कि नहीं जीना आप तेरे बिन और आपको जीना है आपको जीना है ठीक है अब देखो यहाँ पर सर आपको जीना है तो कैसे जियोगे कैसे जियोगे सर हिपैरिन जी आएगा आपको ये क्या होता है नेचुरल एंटीकोगलैंड सब्सटेंस होता है एंटीकोगलैंड वो होते हैं जो आपके शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है तो सर ये आपके शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है हिपैरिन और इसका निर्माण कहा होगा निर्माण कहा होगा आपका लीवर में इसका निर्माण कहा होगा लीवर में लाइक करते रहे सर चैनल को सब्सक्राइब करते रहे बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सही आंसर बता रहे हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा सर एक होता है सिकल सेल एनीमिया मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जल्दी से बताएंगे आप आपकी आरबीसी की शेप कैसी होती है तो आपकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है आपकी बाई केप शेप की होती है लेकिन जब हमें सिकल सेल एनीमिया होता है तो हमारी आरबीसी कैसी हो जाती है आपकी आरबीसी सिकल सेप तो सिकल सेल एनीमिया में क्या प्रभावित होगा आपकी आरबीसी क्या प्रभावित होगा आपका आरबीसी बहुत बहुत सही बहुत बहुत सही बहुत बहुत सही जो बच्चे जुड़ गए हैं आपका वो याद रखें कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर साइंस की मैराथन जीएस मैराथन के भाग में तीस मैराथन कराऊंगा आज दूसरी मैराथन है इससे पहली मैराथन जरूर देखें सेल बायोलॉजी की आपसे पूछेगा एंटीजन एक पदार्थ जो क्या करता है अच्छा अंजलि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बहुत दिनों बाद आज आप यहाँ पर आए <coughs> कहाँ थे आप कहा थे आप और इतने दिन आपने क्या किया क्या किया क्या किया ये बताइएगा तो अंजलि आपसे क्वेश्चन हो रहा है मान लो अंजलि ये आप हैं ठीक है थीके? चलो आपको छोड़ो हमारा कुरैसी आ गया ये कुरैसी है हमारा अब मान लो सर जब हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर छोड़ो मान लो ये आपका कोई गांव है।, है, है ये आपका कोई गांव है और गांव में ये आपका घर है यह आपका घर है यह आपकी हवेली है आओ हवेली पर ये आपकी हवेली है और आप जानते हैं गांव के छोर पर झगड़ा हो रहा है सर झगड़ा हो रहा है जब इस छोर पर झगड़ा हो रहा है तो आप आप ये बताइएगा श्री आप ये बताइएगा जब इस छोर पर झगड़ा हो रहा है तो क्या यहाँ के व्यक्ति इस झगड़े में एंट्री करेंगे नहीं सर गाँव के एक छोर पर झगड़ा हो रहा है हमें क्या मतलब लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे लठायत होते हैं गांव में कहीं पे भी झगड़ा हो पहुंच जाते हैं कहीं पर भी झगड़ा हो पहुंच जाते हैं तो ऐसे तो आप है नहीं अब झगड़ा सर आगे गया, आ गया अब भी कुछ नहीं जब झगड़ा आपके घर के गेट पे आ जाएगा तो आप कहेंगे भाई लाठी डंडे लेकर आओ भाई लाठी डंडे लेकर आए ऐसी तो होता है यही तो होता है ऐसी सर आपके शरीर में होता है मान लो सर मेरे शरीर के अंदर ठीक है मेरी स्किन पर कोई वायरस आ जाए कोरोना का वायरस बैठा है दिखाई दे रहा है कोरोना का वायरस देखो ये रहा ये इंगे बैठा इंगे नहीं दे रहा दिखाई क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है आपकी आंखें केवल हंड्रेड माइक्रोमीटर के साइज के ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं उससे बड़े को इसको नहीं देख पाएंगी अब सर मान लो ये वायरस है सर मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा है वायरस मेरी स्किन पर बैठा है लेकिन जैसे ही मेरे शरीर में एंटर करेगा तो मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो सर जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई बाह्य पदार्थ कोई बाह्य पदार्थ एंटर कर जाता है कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस एंटर कर जाता है तो सर जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारा इम्यून सिस्टम होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है जिसको बनाती है डब्ल्यू वो इसके विरुद्ध किसका निर्माण करने लगता है एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है प्रतिरक्षी का निर्माण करने लगता है तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इस बाह्य पदार्थ को क्या कहते हैं सर इसको कहते हैं एंटीजन याद रहेगा इसको कहेंगे एंटीजन इसको कहेंगे प्रतिजन याद रहेगा नहीं है ठीक है जल्दी से बताओ आप देखो, पर, आप देखो पर सर। आप, सर यहां पर आप देखो, देखो आप जब एंटीजन आपके शरीर के अंदर एंटर करता है तो क्या होगा शरीर किसका निर्माण कराएगा एंटीबॉडी अब आंसर कर दोगे नहीं कर दोगे क्या आंसर हो जाएगा आपका एंटीबॉडी बढ़े आगे जल्दी से बताओ नहीं बता रहे बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत बहुत याद है ठीक है बहुत सही ओके 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 यहां पर देखो यहां पर देखो अब देखो ध्यान से यहां पर देखो देखो यहां पर देखो अपने मन को ना काबू में रखा करो आप लोग अपने मन को क्योंकि आपका मन बड़ा चंचल है चंचल क्यों है क्योंकि हॉर्मोन के कारण चंचल हो रहा है मन इस चंचल मन को चंचल मन को काबू में रखिए ठीक है अब देखें आप है अब यहां पर सर आपसे क्वेश्चन पूछता निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायता करता है मतलब कौन सा विटामिन ब्लड को जमाने में सहायता करेगा अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको एक बीमारी हो जाती है ही, हीमोफीलिया तो क्या हो जाएगा आपका सर विटामिन के विटामिन के की कमी कारण क्या होगा आपको हीमोफीलिया ठीक है बहुत बहुत सही ओके बहुत बहुत सही बता रहे हैं आप लोग ठीक है लाइक नहीं कर रहे लाइक नहीं कर रहे लाइक नहीं करते आजकल आप मुझे लाइक नहीं करते ठीक है मैं नाराज हूँ आप लोगों से ठीक है ओके शादी में गई थी आप कोई बात नहीं अंजलि शादी में तुमने बहुत लड्डू पेड़े खाए होंगे अरे ये बताओ दिल्ली का बच्चा कौन है भाई साहब जो दिल्ली के बच्चे हैं जब कोई शादी उदी हो हमें भी इनविटेशन दे दिया करो दिल्ली के आसपास 200 किलोमीटर की रेंज में किसी की भी शादी हो या किसी के घर में भी शादी हो अगर मुझे इनविटेशन नहीं दिया तो आप बहुत बड़ा पाप करेंगे आप किसी की भी शादी हो आसपास के मोहल्ले पड़ोस में भी शादी हो भी मुझे इनविटेशन दे दो ठीक है मैं आऊंगा आपके पास बहुत बहुत सही बहुत सही बहुत सही ठीक है आगे बढ़े बढ़े आगे अब देखो यहां पर सर आपसे पूछेगा हरित में कौन सा धात्विक आयन पाया जाता है जल्दी से बताएं आपका कौन सा पाया जाता है कौन सा पाया जाएगा आपका सर मैग्नीशियम कौन सा होगा आपका मैग्नीशियम कौन सा होगा मैग्नीशियम ठीक है हमारी सिटी आ जाए देखो बता सब रहे हमारी सिटी आ जाए अब बुलाएगा कोई नहीं ठीक है आगे अब देखो सर अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास वाट इज फीवर सर फीवर क्या है बुखार क्या होता है बुखार सर बुखार बहुत प्रकार का होता है ठीक है हाँ फेसबुक पे हा फेसबुक पे हूं मैं आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेरे पास फ्रेंड की कमी चल रही बहुत फेसबुक पे सुशांत शर्मा के नाम से मैं फेसबुक पे हूँ फेसबुक पे आप मुझे फेसबुक पे आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आपका फेसबुक पे सुशांत शर्मा के नाम से हूँ मैं फेसबुक पे ठीक है और टेली अब हिंस्ता... हिंस्ता के नाम होता है कौन सा होता है उस उसपे भी हूँ सुशांत सर के नाम से ठीक है बड़े आगे बहुत सही आंसर बता रहे हैं आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी सब गलत बता रहे हैं सारा गलत आंसर बता रहे हैं आप लोग ठीक है बहुत गलत आंसर बता रहे हैं, सूरज चौहान जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम सिंह यादव तेरा नाम रहेगा ठीक है तो नेताजी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं ठीक है अब देखो यहां पर सर जब किसी व्यक्ति को गलत रुधिर आधान किया जाता है तो क्या होता है मान लो सर मेरा ब्लड कौन सा है मेरा ब्लड कौन सा है आपका ओ और मुझे किसी ने ए ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या होगा आपका बहुत सही बताया आपने जिसने सही बताया आप बहुत सही बताया तो जब किसी को गलत ब्लड दे, दे देंगे आप तो क्या होगा आपका सर यहाँ पर हो जाएगा रक्त का चिपकाव ये कहानी सुनी आपने रक्त की चिपकाव वाली मैंने क्लास में बताई होगी जो पेट वाले बैच वाले बच्चे होंगे उनको क्लास में बताई होगी ठीक है भावना गर्ग सर आपका बेस सीडीएस निकल जाएगा हंड्रेड परसेंट भावना अगर मेरे पढ़ाई में से सीरियस में नहीं आया तो या तो रावण ने गर्दन काटी थी या मैं ही काट दूंगा अपनी आपकी अपनी ठीक है बड़े आगे अब देखो यहां पर सर आपसे पूछता है कि अगर इनसफिस ब्लड सप्लाई हो मानव मानव के शरीर को तो इसको क्या कहते हैं सर इसको कहते हैं यही आगे चल कर क्या बना देगा आपका हार्ट अटैक क्या बना देगा आपका हार्ट अटैक हार्ट अटैक सर लाइक जरूर करते रहे लाइक जरूर करते, करते रहे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहे क्योंकि आपका ये चैनल है आपका अपना चैनल है और शेयर जरूर करें ठीक है आर बी सी फॉर्म डीन आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ होता है सर आरबीसी का निर्माण तो यहाँ पर बोन मैरो को ठीक लिख लेना कि मैरो की स्पेलिंग गलत है रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो ब्रेन और किडनी अब देखो आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं अरे मैंने बताया है मैंने क्लास में बताया है आप लोगों को अरे अब मेरी फोटो मत लगाओ भाई अपनी आईडी पे चल लगा दो बहुत सारे बच्चे मेरी फोटो लगाए रहते हैं ठीक है थीके? तुम भी लगा लो बढ़े आगे अब आप देखो यहाँ पर सर आगे बढ़े यहाँ पर रेड बोन मैरो क्या होगा आपका रेड बोन मैरो हमारा एक स्टूडेंट है दिल्ली पुलिस में तो भाई साहब वो मेरी फोटो लगाए रहते हैं वो तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाती है बहुत सारी वो फिर मुझसे कहते हैं गुरु जी ऐसे देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है मैं अच्छी बात है ठीक है अब देखो यहां पर सर आरबीसी कहा फॉर्म होता है आपका रेड बोन मैरो में केमिकल नेम ऑफ आरबीसी आरबीसी का केमिकल नेम क्या होता है क्या होता है एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट एरिथ्रो मीन क्या होगा आपका रेड और साइट मीन क्या होगा आपका सेल क्या बोलते हैं इसको एरिथ्रोसाइट ए आंसर हो जाएगा छब्बीस का आंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है बहुत सही बहुत सही हाँ लगा लो लगा लो रेड बोन शुक्ला जी बिल्कुल सही बता रही हैं आप ठीक है बहुत सही अमन आप भी लगा लीजिएगा आप भी लगा लीजिएगा लेकिन आप सब ना क्या लगाएंगे हमारी बुक का फोटो लगाएंगे जो हमारी हिंदी की बुक आ रही है आप हमारे बुक को प्रमोट करेंगे और आपका प्रमोशन से ही हम अपनी रोजी रोटी खा पाएंगे रोजी रोटी के लिए आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कितनी गरीबी आ रही है कभी मैं हर दिन नई शर्ट पहनता था आपका अब देखो यही पुरानी शर्ट पहननी पड़ रही है बड़े आगे अब देखो यहाँ पर सर नंबर ऑफ माइटोकोन्डिया सर ये आंसर बता दो ना आप ठीक है ये आंसर अगर आप बता देंगे आप तो फिर आनंद आ जाएगा सर बहुत आनंद आएगा जल्दी से कर जल्दी से अच्छा अनम, अनम शाह जी अनम बहुत बहुत अनम मतलब क्या होता है अनम का अनम जी मतलब क्या होता है अनम का माइटोकोंडा कितने होते हैं तो आप जानते हैं आरबीसी का जब निर्माण होता है और जब इसका मैच्योरेशन होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी गायब हो जाते हैं माइटोकोंडा भी गायब हो जाते हैं तो कितने होंगे आपका जीरो जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने मेरे भारत ने तो कितना आंसर है आपका जीरो बहुत सही बहुत सही बहुत सही अच्छा मैं एक ये बताओ एक नाम बना रहा हूं मैं अपना यूट्यूब का ब्लैक होल कैसा नाम है बताओ एक चैनल बना रहा हूं मैं भी ब्लैक होल कैसा नाम है इस पर भी मैं एक क्लास दस बजे यहां और एक टाइम पर वहां ठीक है मोहित सैनी आपको नंबर तो इतनी बार दे दिया मैंने इतनी बार नंबर दे दिया कितनी बार नंबर दूँ ठीक है अब देखो यहां पर सर अब आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ आर बी सी इज ऑफ ठीक है नंबर ऑफ आर बी सी रोज में कितने बजे लाइव आता हूं दस बजे लेकिन कल नहीं आऊंगा परसों नहीं आऊंगा ट्यूसडे से लगातार आऊंगा लाइव ट्यूसडे से अच्छा अपने नाम से बताऊं ओके गिफ्ट होता है इसका ओके बहुत बहुत सही बहुत सही ओके 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अब देखो यहां पर सर नंबर ऑफ आरबीसी कितना होगा मेल में तो मेल में कितना होगा सर मेल में होता है आपका कितना होता है जल्दी से बताओ मेल में होगा फाइव मिलियन और महिलाओं में थोड़ा कम होता है महिलाओं में थोड़ा कम होता है यह मत समझना ठीक है बहुत बहुत सादाब खान बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया ठीक है मिलियन बहुत 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 सही बहुत सही ठीक है ठीक है बढ़े आगे अब देखो पर सर अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं हम ठीक है फेफड़ो एवं रुधिर वाहिकाओं में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है तो सर यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखो आप सर ये आपके क्या आपका फेफड़े हैं ये आपके लंग्स हैं इतने सुंदर लंग्स हैं आपके और सर ये क्या है आपका ये ब्लड बेसर से कैपिलरी है आपका आप सांस ले रहे हैं सर आप सांस ले रहे हैं आप सांस छोड़ रहे हैं आप सांस ले रहे हैं आप सांस छोड़ रहे हैं आप सांस ले रहे हैं आप सांस छोड़ रहे हैं सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं सांस ले रहे हैं इसको हैं इसको ब्रीथिंग ब्रीथिंग क्या बोलते हैं सर सांस सांस लेना छोड़ना सांस और जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है यहाँ सी की मात्रा कम होगी यहाँ सी की मात्रा कम ज्यादा है सीओ टू से यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आपका डिफ्यूजन तो आपसे पूछे गैसों का एक्सचेंज किस प्रोसेस द्वारा होता है आपका डिफ्यूजन बिस्टर द्वारा होता है किस प्रोसेस द्वारा होता है आपका बहुत सही बहुत सही बहुत सही इसी बात पर एक लाइक कर दो एक लाइक कर दो तो क्या होगा आपका डिफ्यूजन बताओ क्या दिन आ गए कि हम टीचर लोग बच्चों से लाइक के लिए बोलते हैं एक वो बच्चे थे जो बस ये सोचते थे कि टीचर को कुछ बोलना पड़े सर्वस्व न्यूछावर करने के लिए तैयार रहते थे अध्यापक पर टीचर्स पर और आज आज का दिन देख लो आप समझ गए आप अगला क्वेश्चन क्या है मोस्ट सेल इन ब्लड सबसे अधिक कौन सी सेल्स पाई जाती है ब्लड में तो बताओ कौन सी पाई जाएगी इसका आंसर बता दो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका को क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ आप तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है आपकी आरबीसी लगभग लगभग कितनी होगी आपकी फोर्टी फाइव परसेंट कितना होगा फोर्टी फाइव परसेंट यस बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत बहुत धन्यवाद ओके ओके बहुत सही अब देखो यहाँ पर हीमोफीलिया कैसी बीमारी है आपका तो सर ये अनुवांशिक बीमारी किससे आएगी मम्मी से कुछ बीमारियां मम्मी से आती हैं बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी बीमारियां मम्मी से आती हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस मम्मी से आएगी एल भूलने की बीमारी किससे आएगी मम्मी से डायबिटीज टू मम्मी से हीमोफीलिया मम्मी से लड़कों में बीमारी किससे आती है मम्मी से और ये कैसी डिसऑर्डर है आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये अनुवांशिक विकार है कैसा है आपका अनुवांशिक विकार बहुत सही बता रहे हैं आपका ठीक है प्रीति डिनर मैंने कर लिया है डिनर करके आऊ रात को बारह बजे तक क्लास लूंगा आपकी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे ठीक है कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो हमारे पेट बैच के होंगे जिनकी ग्यारह बजे क्लास है पता है ना आप में से किस किस बच्चे की ग्यारह बजे क्लास है जो मैं ग्यारह बजे क्लास लूंगा बहुत सही आंसर दे रहे हैं आपका डी आंसर जेनेटिक डिसऑर्डर जल्दी से बताएं आप कौन कौन बच्चे हैं आपका हाँ बिल्कुल 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 अब देखो यहाँ पर सर बड़े आगे मतलब मुझे देखता हूं YouTube पर लड़के कितने अच्छे होते हैं ये लड़कियों की कितनी मदद करते हैं कोई एक लड़की एक क्वेश्चन पूछ ले तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये दिनों रात एक कर देते हैं इतने अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे जितने अच्छे लड़के इस YouTube पर हैं तो मुझे मैं सैल्यूट करता हूँ इन सब अच्छे लड़कों को इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं यहाँ पर वाह अब देखो पर सर अच्छा आप लोगों की है ओके 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 आपकी भी है ठीक है कोई बात नहीं तो बजे आपकी क्लास है अभी कितना बज रहा है आपका दस बज के सैतालीस मिनट अगला क्वेश्चन आएगा वो गैस कौन सी होती है जो सफोकेशन करेगी और हमारी डेथ कर देगी आपका ठीक है तो जब कोल और कोक इज बर्न इन ए क्लोज रूम जब बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो क्या होगा हमारी मृत्यु हो जाती है आपका किस कारण हमारी मृत्यु हो जाती है आपका कौन सी गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ओके 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 बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ते हैं हम आपका आपसे पूछे क्रिसमस कारक इज इन्वॉल्व इन क्रिसमस कारक किसमें इन्वॉल्व होता है आपका तो आप जानते हैं जब मैं आपको बताऊंगा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स तो वहां पर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नाइन होता है यह कौन सा फैक्टर है नाइन होता है तो किसमें हेल्प करेगा आपका ब्लड क्लोटिंग में यह ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा रुधिर में सहायता करता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नंबर मैं दे चुका हूं आप सभी को नंबर दे चुका हूं ठीक है आप सब मुझे अपना नाम अपनी सिटी का नाम मैसेज करेंगे और मैं आपका नंबर सेव करूंगा जब भी आपके शहर में जाऊंगा तो आप लोगों से मुलाकात करूंगा नाइन ट्रिपल फाइव वन एट नाइन जीरो सेवन फाइव कल मैं जा रहा हूं कहां पर आपका कल मेरठ गाजियाबाद बड़ोत बागपत बिजनौर यहाँ पर मैं कल जाऊंगा तो बच्चे जो जो बच्चे यहाँ के हैं इन शहरों के हैं तो कल हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे और अगर लंच टाइम पे पहुंचे तो लंच करेंगे आपके घर और अगर डिनर टाइम पे पहुंचे तो डिनर करेंगे आपके घर आप कहेंगे सर जो इन शहरों के होंगे ना वो बच्चे सर हम तो यहाँ के हैं ही नहीं है सर हम तो बहुत दूर के हैं ठीक है अमित सिंह जी लखनऊ के हैं बहुत 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 बढ़िया लखनऊ में तो बेहतरीन ठीक है राजस्थान में राजस्थान मथुरा सब जगह फरुखाबाद अब सर सब जगह आऊँगा पूरी की पूरी इंडिया में भ्रमण करूंगा मैं पूरी की पूरी इंडिया में ठीक है हर जगह जाऊंगा सर बुलंदशहर बुलंदशहर तो मैं जल्दी आऊंगा अभी अभी एक शादी में गया था शहर देखो ये कह रहा है आएगा कभी हवेली पे ये नहीं बताया हवेली कहां पर है या ये उस हवेली की बात कर रहा है रेस्टोरेंट जो है या ये दिलवाले मूवी की बात कर रहा है जीता था जिसके लिए, जिस लिए मरता था क्या ये उस मूवी की बात कर रहा है ठीक है कानपुर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ता है आपका गेनोसाइट एंड मोनोसाइट आर सिंथेसाइज इन जो गैरूसाइड होती है मोनोसाइट्स होती है वो कहाँ बनती हैं सर थोड़ी देर पहले बताया कहाँ बनेंगी बोन मेरो में कहाँ बनेंगी आपका बोन मैरो में ये क्लास चलेगी आपकी ग्यारह बजने में दो मिनट कम तक ग्यारह बजने में दो मिनट कम तक क्लास चलेगी आपकी तो क्या होगा आपका बोन मेरोबू बी सी एंड आरबीसी इज

मित्र और के पुत्र भी हैं वहां पर एडीएम है ठीक है नालंदा में मैं गया भी था कुछ दिन पहले नालंदा में वहां पर जो एक कोचिंग थी प्रूडेंस उसने हमारी फ्रेंचाइजी ली थी आपका फ्रंट लाइन की जीएस में आपसे पूछता है सर द लाइव स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी इज अप्रोक्सीमेटली लाइव स्पान कितना होता है डब्ल्यूबीसी का कितना होगा आपका लेस देन दस दिन लेस देन कितना होगा आपका दस दिन बहुत सही बता रहे हैं आपका आरा से हैं बहुत सही आरा आरा में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं बीके सिंह सर मैथ्स पढ़ाते हैं आरा में और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे आरा में बीके सिंह सर ठीक है तो आरा वाले बच्चे उनसे जरूर पढ़े अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे टीचर हैं वो पढ़े हैं आप उनसे बढ़े आगे अब देखो सर यहां पर द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पर हंड्रेड एम एल ब्लड इन वोमेन इज कितना होता है आपका कितना होगा आपका सर कितना होगा आपका सर चौदह ग्राम होगा महिलाओं में कितना होगा आपका चौदह ग्राम ठीक है बहुत बहुत सही बहुत सही ठीक है आगे बढ़ते हैं हम हाँ अब देखो यहां पर सर अगले संडे मैं रहूँगा हरियाणा में तो जो बच्चे हरियाणा के हैं रेवाड़ी और आपका महेंद्रगढ़ ठीक है रोहतक हिसार और आपका जिंद इन पांच जगह होता हुआ दिल्ली आऊंगा तो अगले संडे आप लोग मिलेंगे हमें सारे के सारे बच्चे और हमारी एक एक बुक लेंगे हिंदी वाली और फोटो खिंचवाएंगे हमारे साथ आपसे पूछेंगे यहाँ पर आयरन युक्त प्रोटीन जो रुधिर में लाल रंग प्रदान करती है कौन सी होती है कौन सी होती सर हीमोग्लोबिन कौन सी होती है आपका हीमोग्लोबिन ठीक है हाँ बिल्कुल 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 चिंता मत कीजिएगा आप लोग सभी बच्चों से मिलेंगे हम आगे बढ़ते हैं आपका द प्रोडूस रेड ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करेगा आपका बोन मैरो और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है सर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना आंसर क्या हो जाएगा इसका डी कुछ बच्चे कहेंगे हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स को ले जाने काम होता है प्लाज्मा का लेकिन का काम क्या होता है आपका ठीक है का का काम काम क्या होता होता है है आपका सर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना आरबीसी का काम होता है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा धनायन प्रोथ्रोमिन को सक्रिय थ्रोमिन में थ्रोमोप्लास्टिक की सहायता से बदल देता है तो याद रखना कैल्शियम आयंस सर ये होता है रुधिर स्कंदन कारक चार रुधिर कारक कारक कितना होगा आपका चार। ये रुधिर तो आज आपने चालीस क्वेश्चन के ठीक है इसके आगे भी क्वेश्चन हैं तो इसके आगे जो क्वेश्चन हैं वो मैं कब कराऊंगा आपका अगली मैराथन में कराऊंगा ठीक है तो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन ले लूंगा अगली क्लास में उससे अगली क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन होंगे

ठीक है बंगले पे रुकेंगे मैंने कहा ठीक है देखते हैं जब आएंगे मिलेंगे आपसे ठीक है तो बढ़े आगे तो ये है आपका ये ऐसे ऐसी बात करें देखो एक कह रहा है कि सर ये मैराथन है वाट एसा मत करो ऐसा मत करो एक एक घंटे की क्लास है ये सब एक एक घंटे की क्लास है ऐसे दिल मत तोड़ा करो तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और अब हमारे ऐप वाले बच्चे आ जाओ जल्दी से ग्यारह बजे आपकी क्लास है जल्दी एक ग्लास पानी पी के आ जाओ तो आज इतना ही रोकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जै...